दोस्तों, सिम कार्ड स्वैप से भी आपको चपत लग सकती है। एक नए फ्रॉड के बारे में सुना गया है जिसमें सिम कार्ड स्वैप यानी कि सिम कार्ड अप टू डेट की प्रक्रिया करने के बाद आप लाखों की चपेट में आ सकते हैं, आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक नया फ्रॉड आया है सुनने में। दोस्तों, अगर आपको कोई कॉल आती है जिसमें कहा जाए कि आपका सिम कार्ड अप टू डेट होना है और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो दोस्तों आप ऐसा ना करें, आपको लाखों की चपत लग सकती है, ये एक फ्रॉड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संसार सिंह और आप देख रहे हैं आओ बातें करें। तो चलिए बातें करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले की बात है, जब एटीएम चेंज करके या पिन कार्ड चोरी करके या फिर आपसे कोई जानकारी प्राप्त करके कि आपके कोई मैसेज आएगा और आप तुरंत इसे हमें फॉरवर्ड कर दें, या ये आता था कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक होने वाला है या डीएक्टिवेट होने वाला है और आप फला फला जानकारी हमें दे दें, और आप दे भी देते थे। कुछ लोग जो सावधान थे वो ऐसी जानकारी देते नहीं थे, तो वो बच जाते थे। जिन्होंने जानकारी दे दी उन्हें लाखों का चूना या हजारों का चूना लग चुका है, या आपने कई बार सुना होगा। पर दोस्तों, एक नया फ्रॉड सुनने में आया है, सिम कार्ड स्वैप फ्रॉड। यानी कि आपको अगर कोई कॉल आती है कि आपका सिम कार्ड अप टू डेट नहीं किया गया तो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और इसे अप टू डेट कराने के लिए आपको हमें सिम कार्ड के पीछे लिखा हुआ जो 20 डिजिट का नंबर होता है वो उन्हें देना होगा। अगर आप उन्हें ये नंबर दे देते हैं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। दोस्तों, पुणे के एक शख्स दिनेश कुमार जी के साथ ऐसा ही हुआ। उन्हें कॉल आई कि आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट होने वाला है, कृपया करके इसे अप टू डेट करा लें। अब कुछ समय से आप देख रहे थे कि 4G सिम अप टू डेट किए जा रहे थे 3G से, यानी कि जो प्रोसेस था 3G सिम का 4G में कन्वर्ट करने का वो चल रहा था। तो उसी से प्रभावित होकर या क्या कारण थे ये नहीं कह सकते, दिनेश कुमार जी से को जब कॉल आई उन्होंने वो पीछे लिखा 20 डिजिट का नंबर उन्हें दे दिया। तो दोस्तों, उस शख्स ने उनसे कहा कि कुछ देर बाद आपके एक मैसेज आएगा, वो मैसेज आप हमें फॉरवर्ड कर दें और इस फॉरवर्ड करने से आपके जो सिम की अप टू डेट करने की प्रक्रिया वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, कुछ समय बाद जब मैसेज आया, दिनेश कुमार जी ने उस शख्स को फॉरवर्ड कर दिया। बस फिर क्या था, उनका सिम जो एक्टिवेट होना था, मतलब कंटिन्यू रहना था, वो डीएक्टिवेट हो गया। एक भी बार नहीं रहा उसके अंदर, जैसे सिग्नल के बाहर आते ने एक भी बार नहीं रहा, सिम डीएक्टिवेट हो गया। तो फिर अगले दिन दिनेश कुमार जी को पता चलता है कि उनके खाते से 93.5 लाख यानी कि 93,50,000 की चोरी हो गई। दोस्तों, दिनेश कुमार जी घबरा गए और थाने गए, वहाँ उन्होंने रिपोर्ट कराया। पर क्या हो सकता था, ये ऑनलाइन ठगी के शिकार हो चुके थे। दोस्तों, आपको भी कोई कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी अप टू डेट ना कराएं, क्योंकि ये ऐसे अप टू डेट नहीं होता है। अप टू डेट कराने के लिए आपको निकटतम रिटेल के पास जाना पड़ता है। सिम के अंदर आपकी महत्वपूर्ण जानकारी स्टोर रहती है, उसी जानकारी को कुछ विशेष टूल के आधार पर हैकर उस जानकारी से आपके बैंक वगैरह अकाउंट्स वगैरह के डिटेल ले लेते हैं। जब आप उनको मैसेज देते हैं तो वो दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेते हैं। जब वो बैंक को एक्सेस करते हैं तो वन टाइम पासवर्ड जो आता है वो उस वाले नंबर पे आता है, उस नंबर ओटीपी के आधार पर वो आपके खाते में से सेंध लगा सकते हैं, यानी कि आपके खाते से पैसा निकाल कर दूसरे खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जो कि उनके हैकर के अपने खाते होते हैं। तो दोस्तों, सावधान रहिए और ऐसे फ्रॉड से बचिए। तो एक वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत और बहुत अधिक समय लगता है। अगर आप इस मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं या किसी को उसके कार्य का इनाम देना चाहते हैं तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने ये वीडियो काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगाकर बनाई है। अगर आप मेरे इस मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे लगे कि मेरी मेहनत का इनाम मिल गया। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे लगेगा कि जो मेरी मेहनत से जो सफलता मिली है उसका ये इनाम है। अगर आप शेयर कर लेते हैं तो ये जानकारी दूसरों तक पहुँच जाएगी, ताकि वो ठगी होने से शिकार बच जाए, यानी कि ठगी के शिकार होने से बच जाए।